बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने किया राज्यसभा से इस्तीफे का ऐलान, कहा देश हित को चुनने का वक्त आ गया। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना, बोले भारत की जमीन चीन को क्यों दी गई, अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो। उत्तराखंड में आई चमोली त्रासदी पर बोले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हालात को लेकर सावधान रहने की जरूरत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस, लद्दाख विवाद पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पर बरसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बोली गरीबों मिडिल क्लास को मिल रहा है लाभ, दामाद को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस, फेक अकाउंट के जरिए झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने की करे जांच। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, कहा भारत में सबसे तेज वैक्सीनेशन, सिर्फ 26 दिन में 70 लाख से अधिक का टीकाकरण। दो दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक, 13 समस्याओं में से 6 समस्याओं पर हुई सुनवाई। हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की तैयारी तेज, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को बैठक के दौरान दिए निर्देश। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आज पेट्रोल 28.29 पैसे और डीजल 35.38 पैसे हुआ महंगा।